नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अगर हमें दो नंबर दिए गए और उसका डिवीजन करना है तो कैसे करना है सीखेंगे। सबसे पहले मान लो फर्स्ट नंबर है ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी। इसका हमें ये दोनों फ्रैक्शन नंबर है उसका क्या बोला है कि डिवाइड करो। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला नंबर लिखना है ए अपॉन बी, अब डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर होता है यानी कि सेकेंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर बन जाता है। यानी कि सी अपॉन डी था तो यहाँ पर लिखना है डी अपॉन सी। अब ये तो मल्टीप्लीकेशन का सिंपली सम बन गया, तो इसमें क्या करते थे हम, ए मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल टू अपॉन फाइव डिवाइड बाई थ्री अपॉन सेवन। तो इसका स्टेप वन में क्या करना है, 2.5 का 2.5 मल्टीप्लीकेशन की साइन रिमूव कर, डिवीजन की साइन रिमूव करके मल्टीप्लीकेशन की साइन लगाना। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल कैसे होगा, 3/7 है तो यहाँ पर लिखना है 7/3। अब सिंपली मल्टीप्लीकेशन का सम हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 × 2 = 14, 5 × 3 = 15। एग्जाम्पल नंबर 2, 3/8 डिवाइड बाय 1/7। तो सबसे पहले क्या करना है, 3/8 का 3/8 यहाँ पर डिवीजन की साइन थी वो रिमूव करके मल्टीप्लीकेशन करना है। उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि 1/7 था तो यहाँ पर लिखेंगे 7/1। अब ये मल्टीप्लीकेशन का सम हो गया 3 × 7/8 × 1। 7 × 3 = 21, 8 × 1 = 8। एग्जाम्पल नंबर 3, 11/2 डिवाइड बाय 6/8। सबसे पहले क्या करना है, 11/2 का 11/2 मल्टीप्लीकेशन की साइन, डिवीजन की साइन रिमूव करके मल्टीप्लीकेशन की साइन लगानी है। 6/8 का रेसिप्रोकल यानी कि 8/6। 11 × 8/2 × 6, तो 11 × 8 = 88 / 2 × 6 = 12। तो ये थी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन।